कहता है सिर्फ उसकी आंटी थी जो उसे हमेशा खुश रखती थी, उसके गम में उसे कंफर्ट देती थी, और उसने उससे उसकी सारी खुशियाँ सारा उम्मीद छीन लिया। वो उसको तो हेट करता ही है, पर उससे भी ज़्यादा वो अपने आप से हेट करता है, क्योंकि वो रुआन के ज़िंदगी के बदले अपनी अंकल आंटी के ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकता। रुआन कहती है वो ज़रूर उसके अंकल को इंसाफ दिलवाएगी, पर टोंग को उसकी बातें नाटक लग रही होती है। रुआन इतने सालों में भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई थी। वो पेरिस में हर वीकेंड पे चर्च जाके टोंग के अंकल के लिए प्रे करती थी। वो इतनी ज़्यादा गिल्टी थी कि उसे लगता था वो लॉयर बनने की काबिल नहीं है। अब रुआन तो टोंग की कंपनी ऑलरेडी छोड़ चुकी होती है, उसे अब एक नया जॉब चाहिए था, पर उसका इंटर्नशिप अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए उसे किसी दूसरे कंपनी में भी जॉब नहीं मिलती। तो वो इस रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा डिलीवरी का काम लेती है। डोडो उसे फ़ोन करके टोंग से बात करके दोबारा उसे उस कंपनी में भेजने की बात करती है, पर रुआन कहती है उसे फिर से उस कंपनी में नहीं जाना है। रेस्टोरेंट के मैनेजर उसे इतने टाइम से फ़ोन पे बात करते हुए देख डांट लगाते हैं। डोडो उस तरफ से सुन लेती है रुआन अभी क्या काम करती है। उस तरफ टोंग की मॉम उसे फ़ोन पे फिर से उनके फिक्स किया हुआ लड़की के साथ डिनर पे जाने के लिए कहती है, सिर्फ कहती ही नहीं है ऑर्डर देती है। टोंग भी अपने मॉम को फिर से इग्नोर कर देता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि वो अपने मॉम के साथ क्यों बहस करता है, जबकि आखिर में वही जीतने वाली होगी। पर टोंग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकता जिसे वो प्यार नहीं करता हो। थोड़ी देर बाद डोडो आ जाती है और वो टोंग से बहुत रूड होके बात करने लगती है। आखिर क्यों ना करती, उसकी दोस्त इतनी टैलेंटेड होके भी टोंग के गुस्से की वजह से उसे आज पिज्ज़ा डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। बाद में टोंग रुआन को एविल कहता है तो डोडो से और रहा नहीं जाता, वो एक एक करके रुआन की तरफ से सफाई देने लगती है। डोडो कहती है रुआन को हमेशा दूसरों की गलती का सजा भुगतना पड़ता है, इनोसेंट होते हुए भी लोग उसे ही गलत समझते हैं। डोडो की बातों से टोंग का दिल थोड़ा सा पिघलता है रुआन की तरफ। अगले सीन में ट्रैफिक सिग्नल की वजह से टोंग की गाड़ी और रुआन की बाइक पास पास रुकते हैं। टोंग को रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो उसे डोडो की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड रुआन के नाम को इंटरनेट पे बदनाम कर दिया, और आज उसी की वजह से रुआन की जिंदगी में इतना सारा प्रॉब्लम है। इसके बाद टोंग रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ठीक से बात नहीं कर पाता, उसे जितना हो सके इग्नोर करता है। बाद में टोंग का असिस्टेंट लंच की बात करता है तो टोंग पिज्जा ऑर्डर देने की बात करता है। अब पिज्जा ही क्यों, आई होप तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सही पक रहे हैं, क्योंकि रुआन अब पिज्जा डिलीवर करती थी, इसलिए टोंग को इस बहाने रुआन को ऑफिस लाना था, उसे परेशान करने के लिए या फिर उसकी मदद करने के लिए, या फिर हो सकता है वो उसे देखना चाहता था। पर रुआन तो बिल देखते ही वहाँ पे ना जाने के बारे में सोचती है। वो अपने कोवर्कर के साथ एक्सचेंज भी करना चाहती थी, पर वो कहता है ऑफिस पास ही है और उसके लिए अच्छा भी है पास में डिलीवर करने जाना, इसलिए वो उसे ही जाने को कहता है। रुआन टोंग के केबिन में आती है खाना रखने के लिए, गलती से उसके हाथों कॉफी गिर जाती है। वो दूसरा डालने की बात करती है पर उसे उसके काम को लेके टोंग टीस करने लगता है। वो कहता है जिसे ठीक से डिलीवरी का काम भी नहीं आता वो ऑफिस का काम कैसे संभालती, अच्छा ही हुआ जो उसने उसे जॉब से निकाल दिया, और उसके एटीट्यूड के वजह से उसे दूसरा कोई कंपनी भी हायर नहीं करने वाला। इतना सब सुनने के बाद रुआन उसे कॉफी का भरपाई देती है, और जाने से पहले वो इतना कह जाती है कि वो उसके अंकल को इंसाफ दिलवा के रहेगी। ये है टोंग की फैमिली लॉयर। ये जब रुआन की बायोडाटा देखते हैं तब कहते हैं रुआन की फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसके पास हजारों अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, अगर वो चाहे तो बहुत सारा पैसे कमा सकती है। उनकी बातों से टोंग को थोड़ा और भरोसा होने लगता है रुआन पे। रास्ते में रुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के गाड़ी के साथ टकरा जाती है, वही टोंग ये सब दूर से देख रहा होता है। रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसे चीप बातें करने लगता है, वो उसके करंट जॉब को छोटा करके देखता है, वो उसे फिर से पैसे ऑफर करता है। रुआन उसे समझाते समझाते थक चुकी होती है कि उसे उसका पैसा नहीं चाहिए। उसके जाने के बाद रुआन रोने लगती है, तब टोंग को अपनी की हुई हरकत पे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। फिर वो रुआन के सामने आके हॉस्पिटल ले चलने की बात करता है, पर रुआन को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। टोंग
हॉन्ग अपने असिस्टेंट से कह के रुआन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है। उसे अब रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना होता है। फिर टोंग पहले तो रुआन को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाता है और उसके बाद वो फिर से जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने लगता है कहीं ले जाने के लिए। वो जब रुआन का सीट बेल्ट बांध रहा होता है तब रुआन मन में कहने लगती है, क्या ये पागल है? अचानक से उसकी तरफ इसका एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया? टोंग रुआन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर के सामने ले आता है ये दिखाने के लिए कि उसे धोखा देके भी वो कितना खुश है अपनी नई जिंदगी में। रुआन को बुरा तो लगता है पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हानि पहुंचा के उसकी इनोसेंट पत्नी को दुख नहीं देना चाहती थी। टोंग उससे पूछता है क्या वो उसे माफ कर पाएगी, क्या वो माफी के काबिल है? तब रुआन कहती है अगर वो पहले एक दूसरे को प्यार करते थे तो अब कैसे वो एक दूसरे को हेट कर सकते हैं? उसे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसका प्यार तो सच्चा था, वो बस एक गलत इंसान से प्यार कर बैठी थी। रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी से कंपनी के काम में उसका शेयर मांगता है पर उसकी पत्नी रुआन की तरह थोड़ी ना उसके प्यार में अंधी थी जो उसके एक बार कहने पे ही वो दे देती। वो कहती है उसका शेयर तो उसे ही मिलेगा, फिर चाहे वो अभी मिले और बाद में, उसके लिए उसे इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बेचारे का मुंह तब देखने लायक था। अगले दिन ये जी मतलब जिसके साथ टोंग की मॉम ने उसका शादी फिक्स किया होता है वो उनसे मिलने आती है। वो टोंग के मॉम से कहती है वो उनकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उसे टोंग के साथ काम करना होता है। ये सुन के टोंग की मम्मी को तो हार्ट अटैक आने लगती है क्योंकि उन्हें पता होता है ये सुनने के बाद उनके बेटे का क्या रिएक्शन होने वाला है, पर वो फिर भी उसे एश्योर करती है। उस तरफ टोंग फिर से रस्ते में गाड़ी रोक के रुआन से पूछता है उसे तो अभी छुट्टी पे होना चाहिए, क्या उसके शॉप के ओनर को अकल नहीं है? तब रुआन कहती है ये उसका और उसके बॉस के बीच की बात है, वो जाके अपना काम करे। टोंग को अभी रुआन के सपने पूरे करने होते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कह के फिर से पिज्जा ऑर्डर करवाता है। रुआन के ऑफिस पहुंचते उसे दाइजिंग का मैसेज आता है। वो कहता है वो उसके ऑफिस के पास से ही गुजर रहा था तो क्या वो उसके साथ कॉफी पीना चाहेगी? तब रुआन कहती है वो थोड़ा बिजी है और वैसे भी वो उस कंपनी से रिजाइन दे चुकी है। तभी टोंग का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे सर्व करने में हेल्प करने लगता है। ऑफिस के सभी पूछने लगते हैं किस खुशी में उन्हें पिज्जा खिलाया जा रहा है। तब असिस्टेंट कहता है खाना मिल रहा है तो वो चुपचाप खाए, इतना सवाल क्यों करना। वो रुआन से ऊपर टोंग के पास बिल देने जाने को कहता है। रुआन उसे रिक्वेस्ट करती है वो जाके बिल दे आए, पर वो कहता है ये उसका जॉब है तो अगर वो अपना काम पूरा नहीं करती है तो वो इस बात का कोई गारंटी नहीं दे पाएगा कि इसके बाद टोंग उसके बॉस को कंप्लेन करेगा या नहीं। तब रुआन खुद से ही कहती है ठीक है भाई मैं ही जाती हूँ, वो मुझे खा तो नहीं जाएगा। रुआन जब टोंग को बिल पे करने के लिए कहती है तब टोंग उसे पहले सूप खत्म करने के लिए कहता है। वो तो रुआन को धमकी दे दे के पिलाता है। बाद में टोंग अपने असिस्टेंट से कल फिर से पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है। दो दिन से पिज्जा खाते खाते उसका तो पिज्जा से दिल ही उठ गया होता है। वो कुछ और खाने की बात करता है पर टोंग को अपने साथ साथ सबको पिज्जा ही खिलाना होता है, नहीं तो वो उसे जॉब से निकाल देने की धमकी देता है। अगले दिन रुआन को फिर से टोंग के ऑफिस डिलीवरी देने जाना होता है पर उसे टोंग के ऑफिस में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है किसी और को उसके बदले भेजने के लिए, पर वो भी भला क्या करता, उसे भी अपनी जॉब प्यारी होती है। रुआन फिर से अपने कोवर्कर से रिक्वेस्ट करती है एक्सचेंज करने के लिए पर मैनेजर पीछे से उसको इशारे से मना करने लगता है। मजबूरन रुआन को ही फिर से आना पड़ता है। रुआन टोंग से पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ही क्यों बार बार बुलाता है डिलीवरी देने। टोंग उसे पहले सूप खत्म करने के लिए कहता है। रुआन अपने मन में कहती है क्या वो उसके लिए कंसर्न है या फिर ये बस उसका भ्रम है। पर टोंग तो सच में रुआन का कुछ ज्यादा ही केयर करने लगा था। टोंग की मॉम ऑफिस आती है तो वो सबको पिज्जा खाते हुए देखती है। वो टोंग से कहती है ये ऑफिस है या रेस्टोरेंट देख के पता नहीं चल रहा। बातों ही बातों में वो ये जी के उनकी कंपनी में ज्वाइन करने के बारे में कहती है। इसे लेके फिर से दोनों में बहस होने लगती है। टोंग को ये जी के उनकी कंपनी में ज्वाइन करना मंजूर नहीं था और उसकी मॉम भी कहां अपने बेटी की मर्जी का परवाह करती थी, वो अपने मरने का धमकी दे जाती है। अब यही तो एक रास्ता होता है अपनी बात मनवाने की।
टोंग येजी को मैसेज करके लंच पे बुलाता है और वो भी फुदकते हुए तैयार होने लगती है। दोनों लंच पे मिलते हैं। टोंग येजी से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। एट द एंड वो येजी से कहता है वो उसे अपनी बहन की तरह देखता है, जिसे सुन के येजी को बुरा तो लगता है पर टोंग के सामने वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती है। उस तरफ दाई जिंग रुआन के शॉप में आता है और उसे डिलीवरी में हेल्प करना चाहता है। वो रुआन के साथ टोंग के ऑफिस पे आ जाता है। वैसे वो इंटेंशनली यहाँ पे आया होता है। ऑफिस वाले पिज्जा खा खा के थक चुके होते हैं। उन्हें तो अब ये पिज्जा का बॉक्स देखते ही उल्टी आने लगती है। वो रुआन से कहते हैं कल से और पिज्जा ना लाने के लिए। वो दोनों टोंग के केबिन में आ जाते हैं पर टोंग वहाँ नहीं होता। रुआन को पता था उसे वो सूप पीना ही पड़ेगा, इसलिए वो खुद से ही पीने लगती है। उसके सूप पीते पीते दाई जिंग भी अपना काम कर लेता है। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है, तो उसके यहाँ रुकने का और कोई मतलब नहीं था। वो रुआन से इम्पोर्टेंट काम का बहाना देके जाने लगता है। बाहर जाते वक्त टोंग उसे देखता है। बाद में टोंग अपने असिस्टेंट से कह के रुआन की बाइक ऑफिस के पार्किंग प्लॉट में रखवाता है और वो उसके बाइक के ऊपर ये क्यूट सा बियर्ड ड्रॉ कर देता है। बाद में कुछ लड़कियां उसके बाइक पे वो ड्रॉ किया हुआ बियर्ड की फोटो लेने लगती है। सबके जाने के बाद वो भी अपने फोन पे इसका फोटो लेती है। उस तरफ रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने टोंग के पास आता है, पर टोंग तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर अप्रूव ही नहीं करना चाहता था। फिलहाल के लिए वो बाद में करेगा कहता है, जिसे सुन के इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टोंग अपने असिस्टेंट से पहले ही कह के रखा था उनके बात करते करते उसे मीटिंग के बारे में याद दिलाना है। वैसे ये मीटिंग बस बहाना होता है रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड को भगाने के लिए।